मतलब ये बताएं कि आपकी शादी समूह लग्न में होने जा रही है, क्या महसूस, क्या पहले से कोई प्लान था, आप शादी को लेकर क्या सोचते थे, और इस तरह का अगर आपके फादर ने डिसीजन लिया तो क्या कहेंगे? जब पापा ने 2008 में स्टार्ट किया तो मैं धीरे धीरे समझा, मैंने इसके पीछे मैंने पढ़ा भी बहुत कुछ कि इंडिया में जैसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इंडिया में ऐसा एक ट्रेंड है कि अगर कोई रिच फैमिली की शादी होए तो बड़े धूमधाम से होनी चाहिए, वो टाइप का सोशल प्रेशर होता है इंडियन फैमिलीज पे, बट वो एकदम रॉन्ग है। लाइक इंडिया के सिवाय पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि पूरे धूमधाम से होनी चाहिए, सिर्फ फैमिली होते हैं और छोटी सी शादी मेन रीजन होता है, पर इधर ऐसा शो ऑफ मेन रीजन हो जाता है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि इतने सारे पैसे अगर खुद के शादी में यूज करें उससे अच्छा हमारे साथ अगर दूसरे बहुत सारी फैमिलीज का अच्छा होता है तो वाई नॉट, वैसे कि दूसरे फैमिलीज का अच्छा क्यों नहीं करें। और इसमें पहले शादी तो समूह में ही डिसाइडेड थी, मेरा वो मन पक्का था कि शादी समूह में होगी, पर संगीत और वो सब भी पहले रखा था, पर जैसे हमने देखा कि करोड़ों का खर्चा होता है संगीत और वो सब में, तो हमने वो भी कैंसिल कर दिया कि उससे अच्छा किसी की हेल्प करे, ऐसे एक नाइट में करोड़ों रुपए खर्च करे उससे अच्छा किसी की लाइफ बन सकती है वो रुपयों से, तो हमने सब प्रोग्राम्स वो भी कैंसिल कर दिया और हम उससे किसी की हेल्प करेंगे। आपके पिताजी के पास तो करोड़ों रुपए हैं और जिनके पास पैसे होते हैं वो अक्सर बहुत दिखावा भी करते हैं, बहुत खर्च भी करते हैं, तो इससे क्या मैसेज जाएगा आपकी युवा पीढ़ी में? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि सोशल प्रेशर की वजह से या शो ऑफ करने के रीजन से ऐसी शादियां ना करें, बल्कि वो शादी में आप जितना सिंपलिसिटी से कर सको और जितने पैसे बच सके उससे बहुत सारी फैमिलियों का अच्छा हो सकता है। तो वो विजन से देखें कि किसी की अगर लाइफ बन सकती है तो हमारी सिर्फ एक नाइट की खुशी के लिए इतने सारे खर्च नहीं करें। तो आपकी फैमिली की तरफ से तो एक रीजन है, एक कॉज है, लेकिन आप जिससे शादी कर रहे हैं क्या उसको कन्विंस कर पाए थे आप? नहीं, ये डिसीजन हम दोनों का था एक्चुअली, लाइक समूह लगन का डिसीजन मैंने उसको कन्विंस किया था, कि मैंने उसको समझाया था कि ऐसा करते हैं तो you know, बहुत सारी फैमिलीज का अच्छा हो सकता है, पर ये संगीत और दूसरे सब प्रोग्राम्स कैंसिल करने का डिसीजन उसका था कि अगर हम लोग शादी में पैसे बचा के दूसरे की हेल्प कर सकते हैं तो ये सब प्रोग्राम में भी क्यों खर्च करें और क्यों ना वो भी पैसे दूसरों की हेल्प करें। तो बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मेरी और मेरी फियांसे में इसके बारे में।